अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जा रहे हैं खेतों की तरफ। ये है हमारा गांव, खूबसूरत और प्यारा सा। तो चलकर देखते हैं कि क्या लगा हुआ है, कौन कौन सी सब्जियां लगाई हुई हैं माशाल्लाह से। अब गर्मियों का भी एंड हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। खजूर आई आ गई है, खजूर सारी खजूर गिरी हुई हैं। ये लगे हुए हैं माशाल्लाह से फूल। हाँ जरूरत है तो तोड़ लो, काफी सारे हैं। हाँ इस साइड से भी भरे हुए हैं। तोड़ लिए हैं। कितने थोड़े निवास कर रहे हैं। सारी जवारी जवार लगी हुई है। ये सब्जी है, तूरियां भिंडियां कद्दू और कद्दू शरीफ है और भिंडी है, बस दो चीजें हैं। तूरियां हैं, पीले फूल वाली, पीले फूल वाली तूरी सही तूरी है। नरम नरम है, हिंगल में तक वाके पैसे चाहिए हूँ इन्हों तो नूरे देन। अच्छा क्या रहा मेरा? ओ नूरा है एक सारे पास। हाँ हाँ महल्ले दा है, त्रै कट्ठे लगे खड़ोते न, ताजे ताजे ते साफ पानी वाले न, साफ पानी वाले हैं। ओना वाला पूछू तो वाले ना फूल चू भिंडी निकल सी कद श्री उड़े खाता लगे पेन क्या लगे पे या पाट की देना है। अरे छोटे छोटे लगे पेन अरे वाले माशाल्लाह से ये लगे हुए हैं कद्दू शरीफ। देखते हैं और पूछते हैं किसी से कि वो भी तो हम लेकर जाएंगे घर, सब्जी का सालन बनाएंगे। आपकी तरफ कौन सी लड़की है? हमारी बेटी। आपकी बेटी है, उसके दो बच्चे होते हैं। दूसरी बार दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। दूसरी बार जुड़े, दूसरी बार जुड़वा हुए हैं। तो कपास की चुनाई आप कैसे देते हैं? 700 एक मन का। सही कद्दू शरीफ भी लगी हुई है और भिंडियां भी। तूरी देखी है? तूरी लगी हुई है या नहीं लगी हुई? तूरी ये देखो, ये क्या चीज है? ये नींबू। नींबू है, मोटे वाला है, सख्त वाले हैं ये नींबू, देसी जीरे कहते हैं ना, ये देसी हैं। देसी नींबू में रस बड़ी होती है। अच्छा ये मोटे होते हैं फिर इनमें रस आती है। हाँ जो चाइना का लीमू होता है ना, वो छोटा छोटा भी हो तो भी उनमें रस लगी होती है। हाँ कभी शरीफ लगे हुए हैं। तूरियां भी नहीं लगी हुई है ना। ये भी फूल लगे हुए हैं। उनसे पूछें सब्जी लेनी है, जो मालिक है ना उनसे पूछ लेते हैं सब्जी लें, जिसे पूछा है। अच्छा हाँ वहाँ से वापिस चले। उनसे पूछते हैं कि हमें भिंडियाँ चाहिए, तोड़ कर फिर दे देगा। तो अच्छा बावलपुर में ये देखो एक तूरी लगी हुई है, इसके ऊपर कोई चढ़ गया है, ऊपर टूटी हुई है। हाँ ये वो वाली हैं घी तूरी हैं। ये रही छोटी सी,
ये वाली सही है। अब ये मोटी होंगी ना, अभी तारीख और पतली है। हाँ तो बहावलपुर में चुनाई हो रही है कपास की, तो एक मन जो होती है कपास उसको चुनने में कितने दिन लग जाते हैं? दो घंटे में 700 कमा लेते हैं। अच्छा हाँ, मैं तो आखा ही बना के भेज सही। तो एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं कपास जो चुनते हैं? अच्छा सही सही कमा लेते हैं फिर एक दिन का। कितने दिन होंगे ये? एक महीने में सारी चुन लेते हैं। सही है। यहाँ पे लगाया जा रहा है कलर लगा रहे हैं जमीनों में। हाँ वो तो छोड़ कर चली गई है अरीबा खू को। रोड ते होवे ना दरख्त फल ज्यादा स्वाब है छाव सी लिए। केड़ा बूटा गेण है बराबर कलर लगा कर जा रहा है। हमने लेना है एक बूटा, ये लेकर जाएगी बावलपुर। घर में लगाओगी या बाहर? अंदर सेहन में जानवरों के सेहन में लगाऊंगी। जानवरों के लिए छाव के लिए गाय भैंस है ना आपके पास है ना? गाय भैंस है, बकरियां भी हैं, मुर्गियां भी हैं। अच्छा सब कुछ रखा हुआ है? सब कुछ अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बुलबुल बोल रही है ऊपर बैठी है। दो बैठी हैं, नजर आती है? हाँ थोड़ी सी आ रही हैं। ਇਹ ਆਦੀ ਵੰਗੇ ਹੀ ਰੰਬਾ ਘਰ ਵੰਗੇ ਚਾਹ ਵਜੇ ਘਰ ਦਾ ਪੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੱਤ ਰੰਬਾ ਕੋਲ ਖਰਾਬ ਪਈ ਸੜੀ ਖੂਹ ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸੀ ਕੋ ਸਾਰੇ ਸਕੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਯਾਰਾ ਜੰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕੋਲੀ ਜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਆ ਪਰੇ ਨਾ ਹੱਸਾ ਵਾ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਗੁੱਛਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਪਰ ਜਾ ਕੁਛ ਬਿਸਮਿਲਲਾ पहले ना रखा है पुख पोले हो गए थे। ये पौधा हम लेकर जा रहे हैं बूटा ये जाएगा बावलपुर। एक साल लग जाएगा इसको बड़ा होते होते। वो बच्चा सो रहा है उसको सोने दो, घर जैसा उसको नींद आ गई है। जहाँ पे भी छांव मिली है वहाँ पे सो गया है।
इस साइड पर सारे झोपड़ी वाले आए हुए हैं। ये घोड़ा भी उन्हीं का है। देखिए सारी लाइन बनी हुई है झोपड़ी वालों की, जो हमारे घर पानी भरने भी आते हैं। हम लेते कच्चे लग देते हैं। हाँ कच्चे हैं, पक दे रहा हूँ, खा दे रहा हूँ। पक दे पक दे खराब सी हो जाएगा। क्यों खराब थी ना? कच्ची पेटी कढ़ाई नहीं आई। कितने पास किलो हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में आप सबने हमें याद रखना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।